नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से बोकारो स्टील सिटी तक चलने वाली टॉप 3 बेस्ट ट्रेन के बारे में, जिसका सबसे चीपेस्ट फेयर होगा और सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होगी, इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से बोकारो तक चलने वाली टॉप 3 ट्रेनों के बारे में, जो कि सबसे फास्टेस्ट और सबसे अच्छी और सबसे सस्ते टिकट किराए वाली ट्रेन होगी, इसके बारे में बात करेंगे। नई दिल्ली से ये जो ट्रेन है, 3 ट्रेनों के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे उन सभी ट्रेन के नंबर के बारे में, ट्रेन का नाम, नई दिल्ली के कौन से स्टेशन से चलती है और बोकारो में कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है और कितनी देरी में अपना सफ़र कवर करती है, कौन से दिन चलती है वो ट्रेन और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं, इसके बारे में बात करेंगे और उसकी एवरेज स्पीड और कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। इसमें हम बात करेंगे टॉप 3 ट्रेनों को मैंने सेलेक्ट किया है, उनकी स्पीड और टिकट किराए के हिसाब से सिलेक्ट किया। फिर भी अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस कमेंट्स को आपकी राय को चैनल पर शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके बात कर लेते हैं जो कि नई दिल्ली से बोकारो स्टील सिटी झारखंड तक चलने वाली सभी ट्रेन्स के बारे में। वैसे तो इस रूट पर सबसे फास्टेस्ट राजधानी एक्सप्रेस ही है, बट वो सस्ती नहीं कह सकते। जो सबसे पहली ट्रेन मैंने सेलेक्ट की है वो है झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, इसका ट्रेन नंबर है 12818। ये जो ट्रेन है हफ्ते में 3 दिन चलती है आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली से, हर सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को ये ट्रेन जो है आनंद विहार टर्मिनल से चलती है। 18 घंटे 10 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर कर लेती है। 12818 इसका ट्रेन नंबर है। इसके तकरीबन 15 स्टेशन हैं और 1182 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 65 किलोमीटर पर आवर। हफ्ते में 3 दिन चलती है और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। स्लीपर क्लास का नई दिल्ली से बोकारो स्टील सिटी तक का जो किराया है वो है 570 रुपये के करीब और जनरल एंड रिजर्व डिब्बों का किराया तकरीबन 330 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको टिकट किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कन्फर्म कर ले, वहाँ से आपको सही किराया जो है कन्फर्म हो जाएगा। ये झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस जो है वाया गोमुख पर चलती है। इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो है डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 12802। नई दिल्ली से रोजाना रात के 10:25 पर यह 15 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है और बोकारो स्टील सिटी में यह ट्रेन जो है 18 घंटे 50 मिनट बाद शाम के 5:15 पर पहुंचती है। इसमें यह डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। 1194 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 63 किलोमीटर पर आवर। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। स्लीपर क्लास का जो नई दिल्ली से बोकारो स्टील सिटी का जो किराया वो है तकरीबन 580 रुपये के करीब और जनरल एंड रिजर्व डिब्बों का 320 रुपये के करीब। ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें, ये मोस्ट प्रेफरेबल ट्रेन है इस रूट पे। इसके बाद जो तीसरी और आखिरी ट्रेन मैंने इस रूट पे सेलेक्ट की है जो कि नई दिल्ली से बोकारो स्टील सिटी के बीच में चलती है वो है झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है हफ्ते में 2 दिन चलती है। आनंद विहार टर्मिनल जो कि नई दिल्ली का स्टेशन है, यहाँ से ये ट्रेन जो है हर बुधवार और शनिवार को शाम के 5:05 पर चलती है 4 नंबर प्लेटफॉर्म से और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। 12826 इसका टिकट, इसका जो ट्रेन नंबर है और 19 घंटे 10 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 7 स्टेशन हैं, 1182 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 62 किलोमीटर पर आवर। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है, ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। स्लीपर क्लास का किराया लगभग 580 रुपये के करीब है और जनरल अंडर रिजर्व डिब्बों का जो किराया है वो है 330 रुपये के करीब। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करके बताएं और साथ में अपने सुझाव भी हैं जो भी है कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन साथ में जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाके इंडियन रेल मुसाफिर लिख के सर्च कीजिए और मेरे से डायरेक्टली जो है बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।